व्यञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुष्यं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीसह गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि प्रिय वृंदावन तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्तच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्सवतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण। किसी भक्त महाशील प्रभुपाद को प्रश्न करते हैं, कहते हम जो ठाकुर जी को दर्शन करते हैं सामने जो ठाकुर जी, कहते ये क्या भगवान है, है? क्या प्रश्न है, ये जो ठाकुर को दर्शन करते हैं कौन है, ये क्या साक्षात भगवान है। तब प्रभुपाद उत्तर देते हैं पर निश्चय है, कहते यही साक्षात भगवान है। कहते ये भक्त लोग तो हर समय अपना हृदय में ठाकुर का दर्शन हर समय करते हैं, जो हृदय में दर्शन करते हैं फिर ये ठाकुर जी को फिर बाहर ये क्यों प्रकाशित किया है, हृदय में दर्शन करते हैं क्यों प्रकाशित किया, बोले कारण बताए। हृदय में कभी कभी भक्त लोग शुद्ध भक्त लोग कभी कभी हृदय में ठाकुर का दर्शन करते हैं, जिसको ब्रह्मा जी कहते हैं प्रेमा जन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय जम श्याम सुंदरंग मचिंत गुण स्वरूप गोविंद पादि गुरुसम तब हम भजा। ब्रह्मा जी कहते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं है? वो हृदय में हर समय ठाकुर जी को दर्शन करते हैं। बोले कौन सा आंखों से, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, कहीं ये जड़ आंखों से भगवान को हम दर्शन नहीं कर सकते। जब हम आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगाते हैं तभी ठाकुर जी का दर्शन हमें प्राप्त होता है। वे सदा हृदय सुंदर, इसलिए हृदय में तो कभी कभी ठाकुर का दर्शन करते हैं, जब ठाकुर जी हृदय से चले जाते हैं कभी व्याकुल हो जाते हैं, इसलिए बाहर इसलिए ठाकुर जी को स्थापन करते हैं। और हृदय में जो ठाकुर जी को दर्शन किया है वही ठाकुर जी को वो बाहर में स्थापन करते हैं। जब जब ये ठाकुर जी को दर्शन करते हैं वो हृदय में जो ठाकुर को दर्शन किया था वो दर्शन का इनके हृदय में उद्दीपना होता है, ठाकुर जी को हम हृदय में दर्शन किया था। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं विग्रह नह तुम्हें साक्षात ब्रजन, महापुरुष कहते हैं ये विग्रह नहीं ये साक्षात श्री ब्रजेंद्र, साक्षात ये कृष्ण ही है, है? ये विग्रह नहीं, इसलिए किसको कहते हैं विग्रह। विग्रह मतलब क्या होता है, बोले वि मतलब होता है विशेष पूर्वक, ग्रह मतलब होता है हमारी सेवा को जो विशेष पूर्वक ग्रहण करते हैं, विशेष पूर्वक जो ग्रहण करते हैं, इसलिए ये विग्रह है विग्रह। इसलिए हमारे संप्रदाय में तो इसकी कितने प्रमाण है, भूरी भूरी प्रमाण है,
हमारी संप्रदाय है, बहुत प्रदाय है। जैसे श्री लोकनाथ दास गोस्वामी जब ठाकुर जी को उन्होंने प्राप्त किया, ठाकुर जी इनको साथ में साक्षात बात ही करते थे, बोलते थे इतना दिन से मैंने यहाँ पड़ा हुआ था, मेरे को भूख लग रहा है, मेरे को खाना खिलाओ। तो क्या करते हैं, उनके लिए रोटी सब्जी बनाते हैं। जब ठाकुर जी को रोटी सब्जी बना करके देते हैं, ठाकुर जी कहते देखो कोई तो चाटनी होनी चाहिए ना, बगैर चाटनी के थोड़ी अच्छा लगता है, थोड़ा चाटनी बना देंगे। तो वो क्या करते हैं, कहते वो ये हैं इमली पत्ते को पीस करके उसमें चाटनी बना करके ठाकुर को देते हैं। जब चाटनी देते हैं, देखो बड़े दिनों से मैं सोया नहीं, मेरे लिए थोड़ी सी सोने का व्यवस्था कर दो। क्या कहते फूल की सज्जा बना कर, सज्जा बना कर ठाकुर जी को वहाँ सुलाते। बोले गर्मी लग रहा है, हैं थोड़ा गर्मी लग रहा है, थोड़ी हवा तो करो। तो कोमल कोमल पत्ते ला करके ठाकुर जी को हवा करते। बोले नींद नहीं आ रही। बोले क्यों, तो थोड़ा प्यार दबा दो, नींद नहीं आती। फिर वो ठाकुर जी को वो प्यार दबाते हैं, ठाकुर जी को है प्यार दबाते। इसलिए हमारे संप्रदाय में तो जितने गोस्वामी हुए वो सबके सब ठाकुर के साथ में वो साक्षात रूप में ये बात करते थे। श्री सनातन गोस्वामी जब ठाकुर जी को रोज रोज जाते थे, वो दर्शन करते थे ठाकुर जी, वो जो चौबेरी को बच्चे को साथ में ठाकुर जी गुल्ली डंडा खेलते, रोज गुल्ली डंडा खेलते। और एक दिन खेलते खेलते कौन हार गए, कृष्ण खुद हार हैं एक बार हार गए, वो चौबेरी के बच्चा हार गया, सदना हार गया। कृष्ण ने कहा तो घुरा मेरे को कंधे पर बैठा कर ले चलो, उन्होंने कंधे पर बैठा कर ले चले। जब ले चले अभी फिर खेल हुआ तो अभी कृष्ण हार गए तो बोले अभी तू खड़ा भाई। इतने में कृष्ण की जब बारी आ गया, कृष्ण क्या क्या जा करके भाग करके अंदर में चला गया। जब चला गया वो बच्चा गाली देने लग गया, बोले तेरी बारी आई तो मेरे कंधे पर बैठ गया, और जब मेरी बारी आई तो अंदर में चला गया है, कल आया तेरे को हम अच्छे तरह से मजा चखा लेंगे। गाली देते देते पीछे 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 भागते भागते गए, गाली देते देते। इसलिए हमारे संप्रदाय में तो इतने प्रमाण है, ठाकुर जी साक्षात भगवान बहुत प्रमाण है। इसलिए ठाकुर जी साक्षात भक्तों के साथ में डायरेक्ट इनके साथ में ठाकुर जी बात करते थे, हैं बात करते थे ठाकुर जी साक्षात रूप में। इसलिए ये प्रभुपाद कहते हैं कि जो ठाकुर दर्शन कर रहे हैं हे ही साक्षात रूप में ये भगवान है। हमारे मंदिर में देखो, हमारे मंदिर में दिल्ली के एक माता जी थी, हमारे मंदिर में वो आती थी, हर महीना में एक बार आती थी और संतों को भंडारा खिलाई और ठाकुर जी को साथ में लेकर जाएगी, ठाकुर जी को कभी छोड़ करके नहीं जाएगी। जहाँ जाएगी उनको पास में इतने बड़े बड़े जुगल जोड़े इनको पास में, जब जब आएगी वृंदावन में तब तक ठाकुर जी के लिए नए वस्त्र और बढ़िया वस्त्र लेकर रोज अपने हाथों से ठाकुर जी को स्नान कराएगी, है रोज स्नान कराएगी ठाकुर जी को, ठाकुर को श्रृंगार कराएगी। और हरमिनियों बजाना को जानती थी, ठाकुर को सामने बैठा करके ठाकुर जी को बड़े सुंदर सुंदर पद सुनाए ठाकुर जी को। और महीना में आकर के जो उनका बच्चे लोग पैसा देते थे वो पैसा को रखती है, खुद अच्छी साड़ी नहीं पहनती, सीधा साधा साड़ी खुद पहनती है, और वो पैसा को वो इकट्ठे करती थी और ला करके महीना में एक बार सारे मंदिर के सारे संतों को वैष्णव को बुला करके भंडारा देती है, भंडारा देगी। और यमुना नदी में जा करके 30 गोता लगाएगी, एक एक दिन का एक गोता तो 30 गोता लगाएगी। राधा दामोदर मंदिर में जा करके 30 परिक्रमा करेगी, रोज रोज का एक एक परिक्रमा, रोज रोज एक एक परिक्रमा गिर करके वो परिक्रमा करेगी। तो ऐसी थी और वो इतने ठाकुर जी का प्रति उसका प्रेम है, वो इतने प्रेम है। वो कहती थी जब मैं ठाकुर का कोई ड्रेस पहनाऊ ना, उसके पास में बहुत सारे ड्रेस है, बहुत सारे ड्रेस है, ठाकुर का जैसे मर्जी हुआ वैसे ड्रेस पहनेगा। अगर कोई इसका इच्छा आज ठाकुर को ये ड्रेस पहनाएगी,
अगर वो ठाकुर को इच्छा नहीं होगा ना तो लगेगा नहीं शरीर में, वो पहनेगा अपने आप गिर जाएगा, अपने आप वो ड्रेस गिर जाती है, वो समझ जाती है ठाकुर जी को आज ये ड्रेस पहनना पसंद नहीं, पर वो दूसरा ड्रेस पहनाएगा। अगर ठाकुर को वो इच्छा नहीं होगा ना, ठाकुर की पहनेगी नहीं, वो अपने आप ड्रेस गिर जाएगी, और उसका जो इच्छा वही ड्रेस ठाकुर जी पहनते थे। ऐसे उनकी अंदर में भावना थी, उनकी हृदय में, और कभी कभी जैसे ठाकुर को कोई खाना खिलाएगी वो खुद बोलती सारी बात को, भले ठाकुर का ये खाना पसंद नहीं होना, उनका ठाकुर का जो चेहरा बदले जाते, बोले नहीं मेरे को ये खाना पसंद नहीं आज, हमें दूसरे चीज बना कर खिलाओ, हमें दूसरे चीज बना कर खिलाओ, है वो इतनी अनुभूति की बात बताते। और रोज रोज वो 1,00,000 हरिनाम करे, रोज 1,00,000 हरिनाम करे, इतना निष्ठा नाम का भक्त उसकी, इतना निष्ठा उसके अंदर में, इतनी अच्छी अच्छी बात बोलती थी जिसको सुन सुन कर ना हमको बड़े आश्चर्य लगते, बड़ा आश्चर्य लगता था। इसलिए वो कौन सा दिन शरीर छोड़ा, एकादशी का दिन, और मैंने सवेरे उसके साथ मैंने बात किया, वो जब अंतिम समय आ गया उसकी, फिर जब लास्ट नहीं आ पाए, फिर मेरे पास में फोन करके बोले महाराज जी मैं 5,000 रुपया भेज रहा हूँ जिस दिन वो शरीर छोड़ेगी, मैं सवेरे मेरे से बात की, मैं 5,000 रुपया भेज रही हूँ, और वृंदावन में गौरी मठ के सारे संतों को बुला करके भंडारा खिला देना, और सबको 20-20 रुपया सबको प्रणाम देना, ये पैसे मैं भेज रही हूँ। सवेरे फोन की है और शाम को उसने शरीर छोड़ दिया, वो बोलते बोलते शरीर छोड़ दिया। इसलिए शास्त्र में कहता है बोला अनायसन्य मरणम बिना दैनन जीवनम अनाराधित गोविंद शरणम कथम भवे। इसका मतलब है ये तभी हमारी जीवन बड़ी आनंद से बीत जाती है, हैं अनायास में जीवन बीतना, और अनायास में मरण किसको होता है, बोले जो निष्कपट रूप में भगवान को भक्ति करते हैं, निष्कपट रूप में कहते उन्हीं का ही जीवन बड़ा आनंदमय बीतता है, और उनका मृत्यु भी बड़ा आनंदमय होता है। इसलिए ये ठाकुर जी को साक्षात भगवान मान करके जो भगवान की सेवा पूजा करते हैं, कहते भगवान जल्दी उसको पर कृपा करते, जल्दी से जल्दी कृपा करते हैं मां भगवान। इसलिए ठाकुर को पूजा सेवा कोई साधारण वस्तु है नहीं। इसलिए घर घर में क्या करनी चाहिए, महाप्रभु स्वयं कहते हैं जब महाप्रभु संन्यास लेकर के जा रहे हैं, तो देखो ये कलयुग में मैं दो रूप में प्रकाशित हूँ, कहते एक रूप है कि जो अर्चा विग्रह है ठाकुर जी की, कहते एक अर्चा विग्रह रूप में, और एक है मैं अपना नाम रूप में। बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कृष्ण विग्रह साक्षात कृष्ण ही, बोले प्रतिमा न तुम्हें साक्षात ब्रजन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी में श्री जगन्नाथ जी को दर्शन करने जाते थे, महाप्रभु कहते थे ये प्रतिमा नहीं है, ये कौन है, ये साक्षात ये कृष्ण है, ये साक्षात ये कृष्ण है। श्री विग्रह भगवान अर्चा अवतार निज हृदय देवता ही बाहिरे श्री मूर्ति रूपे प्रकाशित। कहते जो मूर्ति है ये कौन है, कहते उनकी जो हृदय की जो देवता ही ये बाहर रूप में है, इसको गुरुपाद पद्म प्रकाशित करते हैं। इसलिए कहते विग्रह भगवान ने अर्चा अवतार, कहते जो विग्रह है भगवान इस रूप में क्यों प्रकाशित हुए, कहते ठाकुर जी ये विग्रह रूप में क्यों प्रकाशित हुए, कारण क्या है, बोले कारण है हमारी कथा आती है पुराण में, एक समय नारद जी इस मर्त्य जगत में आए, और उन्होंने सबको पास में जा जाकर पूछे, सब कुशल मंगल में हो, सबके साथ मुंडी हिलाए,
लेकिन जब अंदर की बात पूछे ना, देखा कोई भी कुशल नहीं संसार में, कोई तन से दुखी, कोई मन से, कोई धन से, परिवार से दुखी दुखी। अभी नारद जी वैकुंठ में गए, बोले प्रभु ये दुनिया तो आपने सृष्टि किया। बोले हाँ, बोले दुनिया के लोग दुख पा रहे हैं, अब तो अपना पत्नी लक्ष्मी को लेकर काम लिया मस्त हो, अब दुनिया आपने बना दिया। बोले बताओ क्या करना पड़ेगा। बोले प्रभु जब तक ये जीव तुम्हारी पूजा नहीं करेगा ना, तब तक ये जीव का कल्याण नहीं होगा, इसीलिए प्रभु जी थोड़े से नीचे उतर। बोले मैं वैकुंठ में तो हूँ। बोले वैकुंठ किसी ने देखा है, हमने सुना वैकुंठ किसी ने देखा, थोड़े नीचे उतर। तब बोले मेरे स्वर्ग में ब्राह्मण रूप में हूँ। बोले स्वर्ग किसी ने देखा, स्वर्ग भी किसी ने नहीं देखा। बोले और थोड़ा नीचे उतर। बोले सभी का हृदय में मैं हूँ, सभी की हृदय में बैठा। बोले वहां पर जो बैठे हो आप ये तटस्थ रूप में है, इसलिए वहां पर रहते हुए भी आप किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते हो। बोले हृदय में एक टहनिया में दो चिड़िया बैठे हुई, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। कहिए जीवात्मा क्या कर रहा है। बोले खट्टा मीठा फल को खा रहा है। खट्टा मीठा मतलब कभी दुखी कभी सुखी, कभी सुखी कभी दुखी है। लेकिन परमात्मा रूप में भगवान क्या कर रहे हैं, केवल एक अंतर्यम रूप में साक्षी रूप में दर्शन कर रहे हैं, वो किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते। बोले आप प्रभु तटस्थ रूप में और थोड़े नीचे उतर। भगवान ने जीव को कल्याण करने के लिए फिर तो अर्चा विग्रह, हाँ जो ठाकुर जी को घर में जैसे लड्डू गोपाल जो कृष्ण है, फिर ठाकुर जी इसी रूप में ठाकुर जी आते हैं और इतने सुलभ हो गए, इतने सुलभ हो गए। ठाकुर को दर्शन करना कितना कठिन है, कहते यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव न पादमरीचि। ब्रह्मा भी तपस्या करते करते जिनकी चरण की नख की छटा तक भी दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन ऐसे जो भगवान है, अभी हमारे घर घर में पूजा हो रही, लड्डू गोपाल रूप में हमारे घर में, राजयुगल जोड़ रूप में भगवान, जब इच्छा तब दर्शन करो है, जब इच्छा उनको भोग लगाओ, जब इच्छा उनको खाना खिलाओ। और इतना सुलभ हो गए, ठाकुर जी का हाथ में लेकर के उनका श्रृंगार करते हैं, उनका तिलक लगाते। भगवान कहाँ, वो हमारे हाथ में, क्या हो गया भगवान हमारी हाथों में। इसलिए ऐसे ही जीव को पर ठाकुर जी कल्याण करते हैं, इसलिए अर्चा विग्रह रूप में हमारी कल्याण करने के लिए ठाकुर जी इसी जगत में आए हैं। ठाकुर जी हाँ, इस भक्त ने पूछा बोले प्रभु गुरु कोथाय पाबो, मतलब गुरु हमें कहाँ मिलेंगे, गुरु हमें कहाँ मिलेंगे। इसका उत्तर देते हैं बोले करुणा मारे कृष्ण जाके अपना गुरु बोले प्रेरणा करिवे तिनी बाहिरे महांत गुरु रूपे अपना निकट प्रकाशित हबे भगवत कृपाए गुरु मिलवे एवं गुरु कृपाए भगवान के पावा जाए। बुझते बच्चे आप लोग तो थोड़ी बहुत बंगला समझते हो, एकदम नहीं समझते हो, थोड़ी भी नहीं समझते हो। हाँ देखो क्या कहते हैं, बोले करुणा मारे कृष्ण जाके अपना गुरु बोले प्रेरणा करे। कहते हम गुरु हमें कहाँ मिलेगा, गुरु हमें कहाँ मिलेगा। कहते भगवान बड़े दयालु है, भगवान बड़े दयालु, भगवान बड़े कृपालु श्री ठाकुर जी। कहते हैं ये गुरु को भेजने वाले कौन है, बोले कृष्ण ही भेजने वाले, ये कृष्ण है। कहते जी अपना इच्छा से गुरु ग्रहण नहीं कर सकता है, वो ठाकुर की इच्छा से जीवन में ये सद्गुरु प्राप्ति होती है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड ग्रंथे कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। कहते अनादिकाल से हम भगवान से बिछोड़ते हुए हम 84 लाख जो भी भ्रमण करते हैं। कहते जान और अनजान में जब हमारी भक्ति उन्मुख सुकृत इकट्ठा होता है, इकट्ठी होती है, जब भगवत प्राप्ति का समय होता है तब भगवत इच्छा से ये कृष्ण के द्वारा प्रेरित होकर के तब ये गुरुपाद बजमा में प्राप्त होते हैं। इसलिए एक गुरु है अंतर्यामी गुरु है और एक गुरु है महाजो गुरु है। कहते अंतर्यामी गुरु कौन है, बोले अंतर्यामी गुरु
कभी कृष्ण स्वयं ये अंतर्यामी गुरु है, कभी जो हृदय में जो कृष्ण अंतर्यामी गुरु बैठे हैं, इसलिए कृष्ण जाके अपना गुरु बोले प्रेरणा करेंगे। वो अंतर्यामी गुरु कृष्ण जब महात गुरु रूप में जीव को कृपा करने के समय होता है, महात गुरु मतलब ऊपर से जो गुरुदेव हमें दिखते हैं, तब भगवान कृष्ण स्वयं इनको भेजते हैं, भेज करके तो जीव को वहां तक पहुंचाते हैं। तीन पानी ने महात गुरु रूप में अपना निकट प्रकाशित है, अंतर्ज्ञान गुरु ही महात गुरु रूप में जीव को परम कृपा करने के लिए प्रकाशित होते हैं। इसलिए कहते हैं ना, संसार दावा नललीन लोको त्रणाय कारुण्य घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। गुरुदेव कौन है? कृष्ण की कृपा ही ये एक मूर्ति रूप धारण करते हुए जगत में ये महात गुरु रूप में प्रकाशित होता है। बोले भगवत कृपा ही गुरु मिलवे, बोले जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं हो ना, तब तक जीवन में हमें गुरु नहीं मिलते हैं। ठाकुर जी की कृपा से ही हमें सतगुरु की प्राप्ति होती है। और गुरु कृपा में क्या होता है? बोले कृष्ण कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु कृपा से पद मिलते हैं, गुरु कृपा से हमें कृष्ण मिलते हैं। इसलिए नीचे नीचे भाग्य अनुसार गुरु मिले, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो गुरु हमें मिलते हैं, हमने जैसे जैसे हमारा भाग्य होगी, हमारे भाग्य जैसे जैसे होगा उसी भाग्य के अनुरूप जीव में हमें अपना जीवन में गुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए सर्वज्ञ भगवान विभिन्न लोकर विभिन्न चित्तवृत्ति देखे तादर निकट से रूप गुरु ही प्रेरणा करें। कदे हमें कैसे जो गुरु प्राप्त होता है, कैसे गुरु हमें मिलता है? बोले हमें हमने जैसे जैसे पूर्व जन्म में हमने कर्म किया है, हमने जैसे जैसे अपने कर्म है, कदे वो कर्म के अनुरूप हमें भगवत इच्छा से वैसे वैसे गुरु जी की भगवत द्वारा प्रेरित होकर के ऐसे ऐसे गुरु जी हमें प्राप्त होते हैं। जैसे ध्रुव जी, जब ध्रुव जी तपस्या करना प्रारंभ किया तो गुरु जी किसने भेजा है? भगवान स्वयं नारद है। एक दिन लक्ष्मी ने देखा नारद श्री नारायण बड़े चंचल है, बोले प्रभु आप इतने चंचल क्यों हो रहे हो? बोले देवी एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा श्री ध्रुव मेरे को पाने के लिए बड़ी आकुल व्याकुलित हो रहा है। बोले प्रभु जाओ ना उसको दर्शन दो, देखो अभी तक उसने गुरु ग्रहण नहीं किया है, अभी तक उसने गुरु ग्रहण नहीं किया है। मैंने स्वयं बताए प्रथम तो गुरु पूज्यम ततश्चैव ममार्जनम पूर्वन सिद्धि माप्नोति जनता निष्फलम भवे। मैंने स्वयं बताए, क्या बताए? बोले गुरु गोविंद दो खड़े काक लाग पाऊं बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद देव। अभी तक उसने गुरु ही ग्रहण नहीं किया, इसलिए मैं दर्शन कैसे दूंगा? बोले प्रभु आप तो इच्छा से तो सब कुछ होता है। हाँ, तब उन्होंने श्री नारद जी को भेजते हैं। किसको भेजे? नारद जी को भेजे। फिर उन्हें ठोक पीट करके परीक्षा करते हुए फिर उन्हें मंत्र प्रदान करता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जिसको जैसे जैसे भाग्य है वो भाग्य के अनुरूप उसको वैसे वैसे गुरु जी प्राप्त होते हैं, गुरु जी प्राप्त होते हैं। कहते जरा भगवान निष्कपट कृपा चार जरा नित्य मंगल लाभर जन्य भगवान ऊपर संपूर्ण निर्भर करे। भगवान से सरल निष्कपट व्यक्ति करे प्रति प्रसन्न होए तादिग के कृपा करार जन्य तादर दिकट निजे ही गुरु रूप में प्रकाशित है। कहते ये गुरु जी कौन है? कहते जो गुरु जी आते हैं, कहते ये गुरु जी कौन है? कहते जो लोग सचमुच से निष्कपट हृदय से भगवत प्राप्ति की, जो निष्कपट हृदय से भगवान की कृपा को जो पाना चाहता है, और जो लोग निष्कपट हृदय से जो लोग अपना नित्य मंगल है, जो नित्य मंगल चाहते हैं और संपूर्ण भगवान के ऊपर में निर्भर करते, ठाकुर जी है जब तक तो तुम्हारी कृपा नहीं हो तब तक तो जीवन में
हम सद्गुरु प्राप्त नहीं कर सकते। जब निष्कपट होकर के हृदय से प्रार्थना करते हैं, कहते ऐसे जो सरल जो निष्कपट व्यक्ति को पर में जब भगवान प्रसन्न होते हैं, कहते उनको पर में कृपा करने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं ये गुरु रूप में, ठाकुर जी गुरु रूप में प्रकाशित होते हैं। आज जरा भगवान कपट कृपाचार, कहते भगवान की दो तरह से कृपा है, एक तो ठाकुर जिसको निष्कपट होकर के कृपा करना चाहते हैं, और एक कपट कृपा भी है और एक निष्कपट कृपा है। तादर चित्तवृत्ति अनुसार भगवान ने माया तादर खाचे तद अनुजाई गुरु प्रेरण करेगा ठाके है। जिसको घर में ठाकुर जी कृपा करते हैं उनको सही सही जगह पर ठाकुर जी भेज देते हैं, जिसको पर ठाकुर जी सही कृपा नहीं करते हैं, कहते उनका चित्तवृत्ति सही नहीं है, फिर ठाकुर जी उनको सही जगह पर उनको नहीं भेजते हैं। इसलिए देखो हमारे भारत में कितने अपसंप्रदाय हैं, तरह तरह का संप्रदाय हमारे भारत में, तरह तरह का संप्रदाय है, तरह तरह का साधु लोग जगत में है, जगत में तरह तरह का साधु है, आव बाव नेड़ा नेड़ी, समझते हो, तरह तरह का उल्टा पुल्टा अलग 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 लोग हैं। कोई कहते हैं यही भगवान है, हमारे गुरुदेव ही भगवान है, हैं जय गुरुदेव, क्या कहते हैं जय गुरुदेव यही भगवान है, हैं। और हमारे भारत में पता नहीं अलग अलग कितने अवतार है और अलग अलग सब नई नई नाम निकाल दिया, मन मर्जी अपने अपने अलग अलग नाम भी निकाल दिया है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कहते कहते ठाकुर जी इनको भर में इनका जो चित्तवृत्ति है, कहते वो क्यों वो गलत जगह पर पहुंचे, कहते कारण है अभी उनकी चित्तवृत्ति सही नहीं, इसलिए नहीं होने का नाते वो गलत जगह पर पहुंचे, गलत जगह पर पहुंचे। और लेकिन जो शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में आए हैं, शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में आए हैं, कहते इनकी बड़े सौभाग्य है, ये बड़े सौभाग्यवान है। कृष्ण स्वयं कहते हैं संप्रदाय विहीना जे मंत्रास्ते है विफला मता अतः कलो भविष्यन्ति चत्वार संप्रदायना श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णव अतिथि वामना चत्वारास्ते कलो भाव्यात् खुद कले पुरुषोत्तम आदि। भगवान स्वयं कहते हैं अगर कोई व्यक्ति ये भवसागर से पार होना चाहता है, मेरे पास में आना चाहते हैं, मैंने जगत में चार वैष्णव संप्रदाय बनाया है, चार वैष्णव संप्रदाय, कुल चार वैष्णव संप्रदाय, और इनको पास में मैं चार नाव दूंगा। अगर कोई मेरे पास में आना चाहते हैं ये चारों के अंदर में अगर कोई एक संप्रदाय में अगर अंतर्भुक्त होकर के भक्ति करे तो भगवान गारंटी देते हैं एक दिन तू जरूर मेरे पास में आओगे। और जो चार संप्रदाय में हैं इनकी जो विचार है, इनकी जो निष्ठा बड़ी अच्छे निष्ठा, तिलक कंठी माला हैं, ठाकुर का सेवा पूजा कैसे करोगे, किस रूप में ठाकुर जी को भोग लगाओगे, किस रूप में अपना गुरु परंपरा को स्वीकार करके तुम प्रॉपर रूप में भक्ति की व्यवस्था है। इसीलिए और जो लोग हमारे कौड़ीय संप्रदाय में है ये लोग तो बड़े ही सौभाग्यवान, समझो बड़े ही सौभाग्यवान हैं जो महाप्रभु की धारा में आए। इसलिए गुरुदेव कहते थे जो व्यक्ति ये महाप्रभु की धारा में आए इनका जो सुकृति है ना ये अलग सुकृति है, इनकी साधारण सुकृति नहीं है, ये साधारण सुकृति वाले नहीं, इनकी विशेष सुकृति वाले जो महाप्रभु की धारा में जो आ करके महाप्रभु के अनुगत्य में जो भजन करते हैं। क्यों, जब इनकी सिद्धि प्राप्ति होगी ना, जब इनकी सिद्धि प्राप्ति होगी कहते एक साथ में एक स्वरूप में गोलोक वृंदावन जाएंगे और एक स्वरूप में महाप्रभु का धाम भी जाएंगे। इसलिए इनकी सुकृति विशेष विशेष सुकृतिवान है। इसलिए महाप्रभु को क्या बताए, धन्य कलियुगेर चैतन्य अवतार, कहते ये धन्य कलयुग है, श्री महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते हैं, हर कलयुग में महाप्रभु नहीं आते, ये ब्रह्मा का एक दिन में एक बार ये कलयुग में आते हैं। और आकर के वो दुर्लभ जो राधा रानी की जो सेवा निकुंज सेवा को तभी प्रदान करते हैं। इसलिए
जो लोग इसी धारा में आए इनका सुकृति कोई विशेष विशेष सुकृति बात नहीं। तुलसी सच्चिदानंद गौर हरि की जय। इसलिए कहते हैं निष्कपट व्यक्ति कखनो असुविधा है ना, यदि जो सचमुच से निष्कपट है ना, कपट रहित व्यक्ति, यदि इनका कभी भी कभी जीवन में अमंगल नहीं होता है। तीन अचिरेयी सद्गुरु र संधान पार है, यदि जो निष्कपट व्यक्ति ठाकुर उनको सही सही जगह पर ठाकुर जी भेज देते हैं। इसलिए और जो कपट युक्त व्यक्ति है ना, इनका कल्याण बड़ा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं है? प्रभुपाद कहते हैं भैया कभी भी कपटता मत करो है? जो कपट व्यक्ति का कल्याण होना कठिन है, उससे तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जीवन में रहना सही है जो ये कपट करते हैं। इसलिए है? इसलिए हृदय बाह्य सम व्यवहार, बाहर और अंदर में एक हमारी व्यवहार होनी चाहिए। इसलिए कृष्णा बंसुरी क्यों बजाते हैं, कहते ये निष्कपट है, इसका जो बंसुरी देखे उसका अंदर एकदम खाली होता है, हृदय खाली होते हैं। इसलिए कृष्ण जैसे चाहते वैसे बजती है। इसलिए हमारा हृदय भी खाली होगा ना, बस हम भी बंसुरी बन जाए, कृष्ण हमें भी बजाए करें। इसलिए अठारह नंबर इनका उपदेश है साधु की सर्वक्षण करणीय। कहते साधु हर समय क्या करता है, साधु हर समय का साधु का क्या काम है, बोले सर्वक्षण साधु संगे थकते हमें सत्संग व्यतीत तो दुर्बल हमें किचुते ही बाजते पार्वना है। कहते हैं साधु की सर्वक्षण करे, साधु लोग हर समय क्या करते हैं, कहते जो साधु लोग हैं हर समय सत्संग को बीच में रहते हैं। सत्संग को बीच में रहोगे फिर क्या होगा, जैसे संघ पर और साधु संघ का अंदर हर समय रहेंगे तो एक उदाहरण देकर समझाएं हैं। जैसे कोई एक घर है, एक व्यक्ति कुछ का भी घर है, उसने घर छोड़कर मानो और कहीं गया है, लेकिन उसने घर छोड़कर जब और कहीं गया कुछ दिन के लिए, लेकिन उसने एक पहरादार रखकर गया, पहरादार रखकर भैया मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ तो जब तक नहीं आऊंगा उसको तो पहरा देंगे। और एक है एक व्यक्ति ने अच्छे प्राचरी है घर को चार तरफ में अच्छे तरह से प्राचरी बनाकर गया। अब ये बताओ एक व्यक्ति ने प्राचरी बनाकर गया और एक व्यक्ति किसी पहाड़ा घर को देकर गया, किसका घर सुरक्षित तो बढ़िया से रहेगा, जो किसी को देख गया है, जो किसी को देख गया सुरक्षित गया। इसलिए जो व्यक्ति प्राचरी जितने बढ़िया क्यों नहीं हो, कभी भी चोर आकर के तोड़ कर घर में घुस सकता है, लेकिन जिसको पहाड़ादार देकर गया ना, वो एकदम हर समय वो रखा गया कि वो पहाड़ादार हर समय पहाड़ादार है। फिर वो पहाड़ादार क्या है, बोले साधु संघ, यही पहाड़ादार है। अगर साधु संघ में हर समय रहा करेंगे ना क्या होगा, ये पहाड़ादार रूप में। इसलिए गुरुदेव कहते थे कोई कोई व्यक्ति है, कोई कोई व्यक्ति अकेले भजन करने के लिए चले जाते हैं। गुरुदेव ने कहा भैया तुम कहा, बोले गोवर्धन में रहेंगे अकेला भजन करेंगे। गुरुदेव ने कहा कैसे भजन चल रहे, बोले बढ़िया भजन हो रहा है। बोले क्या करते हो, बोले रोज रोज गिरिराज की परिक्रमा करता हूँ, है गिरिराज की परिक्रमा करता हूँ, हरिनाम करता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा ये बताओ गिरिराज गोवर्धन तुमसे कभी बात करता है, ये गिरिराज गोवर्धन कभी तरह से बात करता है, कुछ बोलता है तुम्हें है? जैसे जब मंदिर में रहोगे, जब मंदिर में रहोगे, जब हम कोई गलत काम करेंगे ना साधु, उस समय में टोक देंगे, बोले नहीं ऐसे नहीं, मंगल आरती में आया करो, कीर्तन में बैठा करो, हरिनाम करो। अगर कुछ इधर उधर करेंगे ना साधु क्या करेंगे, उसको देख के हमें टोकेंगे, हमें शासन करेंगे। बोले गिरिराज कभी तुमसे बात करता है, अगर लेट में तुम कभी उठे हो, हरिनाम कभी नहीं किए हो, गिरिराज कभी बात करता है, बात नहीं करता, लेकिन बात कौन करेगा साधु। इसलिए कलयुग में ना सकत संघे शक्ति, कलयुग में अकेला भजन करना बड़ा कठिन है, जो साधु संघ में रहेंगे
हैं एक साथ में कीर्तन भजन उत्सव करेंगे तब कलयुग में तभी तभी जीव का हृदय में भक्ति की भावना आ सकती है, हैं? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं साधु संगे सर्व क्षण हर समय क्या करना पड़ेगा, भक्तों को साथ में हमें रहना पड़ेगा। सत्संग व्यतीत तो दुर्बल आमी किछु तई वास्ते पारबो ना, साधु संग के बगैर हैं कहते हर समय क्या होगा, धीरे 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 हम लोग एक साथ में कभी पढ़ते थे कुछ कुछ बाबा जी लोग होते थे कभी कुछ बाजा जो अकेले रहते थे तो हम लोग कभी पूछते थे भैया कैसे भजन चल रहा है, भजन कैसे चल रहा है, जैसे यहाँ पर आरती हो रही है भक्त लोग उठ कर आरती में आते हैं कीर्तन करते हैं, लेकिन वो कभी कभी इतने सो जाते थे 8-9-10 बजे उठते थे, 8-9-10 की कोई बोलने वाले है नहीं ना वहाँ पर, कोई टोकने वाले बोलने वाले नहीं, इसलिए यहाँ पर कह रहे भैया अकेले है ना भजन करना कठिन है, लेकिन साधु संत को साथ में रह करके भजन करेंगे क्या होगा, उस समय में हम माया से बच सकते हैं। सत्संग के तफात है अगले के साधु संग से तफात मतलब अलग हो करके रहने पर आमादिर प्रभु हवार दुर्बुद्धि हसवे तब हृदय में अपने आप को प्रभु बनने का इच्छा होगा, हम तो प्रभु हैं हम तो बड़े हैं, लेकिन सब समय साधु गुरु आज्ञा नु भक्ति ना थाकिले विपद पड़ जाते हवे, जब तक अगर साधु गुरु वैष्णव की अनुगत में अगर नहीं रहेंगे ना हाँ इनके आज्ञा के अनुसार अगर नहीं चलेंगे हृदय में हमारे दुर्बुद्धि आ जाती है विपत्ति आ जाती है, इसलिए निराश रह हई ले माया हमारे धरवे तखन हमारा माया नफर हो संसार गुरु बिड़ाव, जब आश्रयहीन होकर के हम रहेंगे क्या होगा फिर हमें माया पकड़ लेगी, हमें माया पकड़ लेगी, अगर माया पकड़ेंगे तो फिर माया की दासत्व करते रहो, माया में डंडा मारते रहेंगे कान पकड़ के उठाते बैठाते रहेंगे, लेकिन अगर भक्तों को साथ में हर समय रहेंगे क्या होगा कहते वैष्णव संगत मान आनंदित अनुद्रन सदा है कृष्ण प्रसंग, जब वैष्णव को साथ में रहेंगे हर समय आनंद कीर्तन भजन पूजा में सदा है कृष्ण प्रसंग, हर समय साधु को माध्यम से हमें भगवत संग होते रहेंगे, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए हर समय किसको साथ में रहनी चाहिए, भक्तों को साथ में ही हर समय रहनी चाहिए हैं, तभी हमारी कल्याण है, कभी भी भक्तों का संग छोड़ करके अलग हमें नहीं रहनी चाहिए। प्रगता गौर प्रेम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम Thank you.